Sony Live. We live to entertain. Download the app. डॉक्टर साहब प्लीज बचा लीजिए, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया, इन्हें बचा लीजिए। तुम्हारा बाप तुम बचाओ, हम क्यों बचाएं भाई। चलो कोई नहीं, तुम्हारे पे पापा हैं तो एक काम करते हैं, इनके लिए हम प्रेयर कर देते हैं। प्रेयर सुबह शाम ये दो प्रेयर लिख के देता हूँ, ये आप करें। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, ये आप करें, काफी बेटर महसूस करेंगे। अरे आप क्यों प्रेयर करेंगे, आप डॉक्टर की बीवी नहीं है। और वैसे भी मुझे लगता है कि यहाँ पे इनको दुआ की नहीं दवा की जरूरत है। क्यों मोटा भैया, बताइए क्या हुआ इनका। अरे देवी जी, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं घर में फालतू का भटक रहा था कि अचानक मुझे बाथरूम से धड़ाम की आवाज सुनाई थी, मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। मतलब कि बाथरूम में गिरे हुए थे। नहीं नहीं, गिरा हुआ तो गीजर था। फिर जब मैं बाथरूम में था, मुझे बेडरूम से मेरी मम्मी की चिल्लाने की आवाज आई। मतलब कि बैठे बड़े बड़े इनको हार्ट अटैक आ गया। नहीं नहीं, मम्मी ने चिपकली देख ली थी इसलिए चिल्लाई। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। ऐसा है कि मेरे को थोड़ी नींद आ रही है, जैसे हार्ट अटैक आएगा मेरे को बता देना, ठीक है। नहीं, बस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। फिर मैं हॉल में पहुंचा, पिताजी बड़े आराम से बैठ के वहां पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अचानक उन्होंने कहा आ, 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 मुझे लगा राग अलाप रहे हैं, तो मैंने भी शुरू कर दिया। अरे बाद में मुझे पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया, तो तुरंत दौड़ के मैं उन्हें यहाँ लेकर आ गया। यार तुम इतनी छोटी सी बीमारी के लिए इनको इतने बड़े हॉस्पिटल में लेके आए, भले यहाँ से इमरजेंसी हो तो आना यहाँ पे। अरे तो आपके हिसाब से ये इमरजेंसी केस नहीं है, तो फिर इमरजेंसी केस क्या है? देखिए मैडम, इमरजेंसी होती है कि आदमी को बहुत तेज से बाथरूम लगा और जी पटक जाए, ये होती है इमरजेंसी। देखिए अगर आपने इस पेशेंट का इलाज नहीं किया ना, तो आपका ये सर्टिफिकेट जरूर अटक जाएगा। अरे अरे भाई, इतनी छोटी सी बीमारी का इलाज तो हमारे सीनियर डॉक्टर कर देंगे। अरे भाई देखो, 5 लाख में सिर्फ मैं झूठ बोल सकता हूँ, ऑपरेशन नहीं कर सकता मैं। अरे 5 लाख 10 लाख जितने पैसे आपको चाहिए मैं आपको दूंगा, प्लीज मेरे पिताजी का इलाज कर दीजिए। देखो अगर तुम्हारे पास इतने पैसे है तो इसी को क्यों ठीक कराना, हम आपको रिप्लेस करके नया बाप दे देते। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप। एक बार इंजन खुल जाए ना गाड़ी का, फिर बार बार सर्विस मांगती, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। रिप्लेस कर लो अच्छा रहेगा। ओहो, आप लोग डॉक्टर हैं या मैकेनिक? आपको गाड़ी ठीक करानी है, ऐसे ही पूछ रही मजे लेने के लिए। अरे बस कब से देख रहा हूँ आप फालतू की बात किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। इतने देर में तो मेरे पिताजी का आधा ऑपरेशन पूरा हो गया होता। देखिए आप ऑपरेशन कीजिए, वरना मैं आप पर केस फाइल कर दूंगा और मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर दूंगी। बस एक मिनट, लेट मी चेक इनको। इधर इधर बैठ जाइए, आइए आइए। अरे अरे फटाफट जाओ उधर। अरे अरे पिताजी हैं। अरे हुआ हार्ट अटैक, निमोनिया की एक्टिंग क्यों कर रहा है? चलो लिटा दिया भैया, ये नहीं बचता। अरे ये क्यों लेट हुए? अरे सुबह से खड़े हैं, पीठ सीधी कर रहा था जी, पीठ सीधी कर रहा था। भाई वाह, मैंने पहली बार हार्ट अटैक के पेशेंट के चेहरे पे इतना ग्लो देखा। आई रियली लाइक टू मीट यू। वो वेरी नाइस पिताजी। मैं चेकअप करता हूँ, एक सेकंड। टेरिकॉट कहाँ लगा रहा है ये? एक सेकंड, आपने इन्हें लाने में देर कर दी। क्या मतलब? एक घंटा पहले ले आते तो बचा सकते थे। हार्ट अटैक ही आधा घंटा पहले आया, मैं एक घंटा पहले क्यों लेकर आता इनको? माल की बात कर रहे हैं आप लोग, बेकार की बात है। सही बात है। अरे आप जरा इनको ध्यान से देखिए तो सही, इनकी सांसें चल रही हैं। देखिए भाई साहब इधर आइए, आप ना मोटा दिमाग ना लगाएं अपना। अब पंखा बंद करते हो जब, एकदम से तो नहीं बंद होता ना, धीरे धीरे होता ना बंद। तो अभी सांसें चल रही हैं, धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। और नहीं भी हुई तो हम हैं ना, डोंट वरी। अरे क्या हम करेंगे यार, इसी बात कर रहे हैं आप। देखिए मुझे लगता है जिस हिसाब से इनकी हालत है, इनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरा कस्टमर आ गया, मैं आ रहा हूँ। हाँ। अरे देखिए वो सांस भी नहीं ले पा रहे। अरे पिताजी सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अरे सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो क्यों ले रहे हो सांस यार? 2 दिन सांस नहीं लोगे तो मर नहीं जाओगे। जब ठीक हो जाए तो सांस ले ले, तब इतनी क्या जल्दी है। अरे यार ये क्या कह रहे हैं आप, सांस है तो शराब नहीं है कि ठीक होने के बाद पी लेगा वो। मुझे लगता है इनको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि आपके पास ऑक्सीजन है नहीं। ओए सच्ची में हार्ट अटैक भाई। ओए चंदू आ जा, आ गया, आ गया, आ गया, ऑक्सीजन ले के फटाफट ऑक्सीजन। अरे गुब्बारे से कौन ऑक्सीजन देता है? हाँ कौन देता है? इंस्पेक्टर इसलिए सवाल पूछ रही, तू क्यों बार बार सवाल पूछ रहा है मोटूलाल?
देखिए मैडम, ये जो है ये स्वदेशी ऑक्सीजन है, हम लोग यही भी बनाते हैं, यही भी देते हैं। बासी ऑक्सीजन हम देते नहीं, बाहर से इसलिए लाते, मिलावट बड़ी होती है। हाँ जी। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे एम्बुलेंस की आवाज निकाल रहे हैं ताकि मरीज को थोड़ा हौसला रहे कि ये इसके आसपास कुछ चल रहा है। आसपास डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? यार ये एम्बुलेंस की आवाज निकाल रहे हैं ताकि मरीज को थोड़ा हौसला रहे कि आसपास कुछ हो रहा है। शाबाश, कांग्रेचुलेशंस। केमिस्ट चंदू, हां जी, जल्दी जाओ और भी बहुत सारी ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करो। ओके, डन। 150 गुब्बारे और फुलाओ, पीछे बर्थडे उनको दे के आओ। डॉक्टर साहब, आप फटाफट ब्लड टेस्ट कर लीजिए। हाँ, ब्लड टेस्ट करना है, पहले आप फॉर्म पे साइन कीजिए। इस फॉर्म में लिखा क्या है डॉक्टर साहब? इसमें लिखा है कि जब आपका ब्लड टेस्ट करेंगे, आपकी जान चलेगी, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं होंगे। आपको लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी। लेकिन बीमार मेरे पिताजी हैं, आप मेरा खून क्यों निकालेंगे? हाँ तो गंदा खून तो उन्हीं का ना तुम्हारे अंदर। बुजुर्ग आदमी, बीमार आदमी है, लाचार आदमी है, उसका ब्लड लेते हुए अच्छे लगते हैं। लेकिन ऑपरेशन के लिए, हार्ट अटैक के ऑपरेशन के लिए ब्लड टेस्ट की क्या जरूरत? अगर ये जरूरत नहीं है तो ये आपको पहले बताना चाहिए था ना, फिर आप अब बता रही हैं। चलिए, ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है तो हम इनका एक्सरे कर देते हैं। एक्सरे कर दो आप, फटाफट कर दो। हाँ, कीजिए कीजिए। कितने वाला एक्सरे करना है? कितने वाला क्या होता है, आप एक्सरे कर रहे हैं कि भेलपुड़ी बना रहे हैं? देखिए हमारे यहाँ अलग अलग वैरायटी है, हमारे पास 100 रुपए वाला एक्सरे है, हमारे पास 120 वाला है, 150 वाला है, और ज्यादा आपको अच्छा काम क्वालिटी का एक्सरे 250 रुपए का भी आता है, आपको अच्छा करके देंगे। हाँ, एक, अरे इतनी वैरायटी तो साड़ी वाला नहीं दिखाता जितनी आपके एक्सरे में है। देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन, बट आंसर इज वेरी बैड, बट स्टिल आई एम गिविंग यू। देखिए, जो 100 रुपए वाला एक्सरे होता है उसमें बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं, तो वो दिखने में भी नॉट सो गुड लुकिंग। जो 250 वाला एक्सरे है उसमें बीमारी भी कोई नहीं आती, और बड़ा उसमें जरी का काम बड़ा बारीकी से किया होता है, और अगर आपका यूज में ना आए उसको फ्रेम लगाएं और उसको अपने घर में लगा लें, इट्स वेरी सिंपल। और जब ये एक्सपायर हो जाए आपके काम भी आ जाएगी फोटो। अरे ये बिना मशीन के एक्सरे बना रहे? ये आयुर्वेदिक एक्सरे है, इससे ना पोल्यूशन नहीं होता, बहुत कमाल की चीज है आयुर्वेदिक एक्सरे, इको फ्रेंडली। एंजॉय करने आए इधर, बाप का ऑपरेशन थोड़ा हाथ बटाओ। चलो क्यों के? अरे बाप का ऑपरेशन नहीं तो बहन की शादी नहीं है जो वो हाथ बटाएगा। हाथ बटाओ। बहन की शादी नहीं है तो फिर क्या होगा, हेल्प तो करनी पड़ती नहीं? चलो सब थोड़ी थोड़ी हेल्प कराओ। ए देखो, ECG करते जाओ तुम हाथ से ऐसे। हाँ, ECG करते जाओ, ECG रिपोर्ट की तरफ। ए तुम्हारे बाप की जान तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी ECG रुकी बाप चलाया जाएगा समझो। चलो 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 चलो। मैडम आप थोड़ी हेल्प करा दीजिए ना बच्चे की, थोड़ा रैप टैप गा दीजिए, थक जाएगा वो। चलो ECG मशीन थक जाएगी। रैप गाती हूं, रैप गाती हूं। मीठा है। Chick chick chack chick 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 chack chack chick chick chack chick 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 chick. Oh yeah. Up down ECG ECG. Up down jump and jump and. Up down ECG ECG. Up down jump and jump and. Up down up down. Up down up down. I'm swaggering up down up down up down. Hey yo baby, up down up. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक इज एब्सोल्युटली फाइन। डॉक्टर साहब, अब तो आप गए। अगर आपने इस मरीज को ठीक नहीं किया ना, तो मैं आपको फ्रॉड और मर्डर के केस में 335-340 सेक्शन के तहत अंदर करवा दूंगी और 1300 साल की जेल हो जाएगी आपको। बड़ी चिंता, आपके पति हैं ये। 1300 साल की जेल। कुछ करो भाई, कुछ करो। मैं भी करता हूँ। दुबे पानी का, एक भाग के जाके वहां से ऑक्सीजन लेके आओ। आप भी साथ जाओ, पागल है कुछ और दे दो। पानी लेके आओ, पानी, ऑक्सीजन। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हुआ। आप ऑपरेशन कामयाब हुआ। खड़े हो जाओ पिताजी। पिताजी ठीक हो गए? सबसे पहले किसका मुंह देखना चाहोगे? उसकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ, हार्ट अटैक का हुआ है। चलो पिताजी ठीक हो गए। ये कौन है?
आप ही नहीं तो आपके पिताजी हैं। नहीं नहीं, लेकिन वो तो बूढ़े थे, तो जवान है। हाँ तो दवाइयाँ का असर हो जाता है। सर्जरी भी बहुत बड़ी थी ना। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी कैसे हो सकते हैं, शक्ल भी अलग है। अरे पहले पहले पिता की शक्ल कितनी गंदी थी, ये देखो कितना हैंडसम दिया हमने। बाल भी काले कर दिए हमने, देखो ठीक तो है। क्यों भी पिताजी, कैसे फील कर रहे हो? He's feeling nice. नहीं 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 नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं है। अरे अरे दिमाग खराब हो गया, अपने बाप को नहीं पहचान रहे हो? अरे मेरे पिताजी तो सिंधी थे, ये तो भोजपुरी बोल रहा है। देखिए मैंने जो इनको इंजेक्शन दिया ना, वो मेड इन कानपुर था, तो इसलिए भोजपुरी बोल रहे। दो चार दिन रखो, बोल बोल के ठीक हो जाएंगे। ले जाइए आप। अरे बेटा तुम्हारी माँ की याद आ रही है, चलो बाहर घर चलो। मैडम देखा, मैडम जीवन का कल्याण करते हैं हम, ऐसे ही वर्क करते हैं, ऐसे ही हम लोगों में खुशियां बांटते हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया, मान गए आपकी पार्क की नजर और डॉक्टर मशहूर दोनों को। भाई मैंने सोचा था पहले कि आप बहुत ही टुच्चे लोग हैं, बहुत ही बदतमीज है, बहुत ही फट्टू है, लेकिन मुझे पता चल गया कि आप तो कमाल के हैं। लाइए लाइए, मुझे जल्दी लेट हो रहा है, वेरिफिकेशन पेपर साइन कर दीजिए। ये यहाँ पे, ये ये साइन कर दीजिए। लाइए लाइए, बहुत अच्छे। आप कभी कोई बीमार हो इधर मरने के लिए भेज देना। ये लीजिए, थैंक यू। चलिए बाय, चलती हूँ, बाय। डॉक्टर साहब आपका तो काम हो गया, अब हमारे पैसे निकालिए। कोई बात नहीं, पैसे भी आ जाएंगे। पहले ये बताओ भी लाश का क्या करना है? मेरे तो किसी काम की नहीं, आप रख लो। मेरे भी किसी काम की नहीं, आप लोग रख लीजिए। बेटा हाँ जी बताइए क्या कर सकते हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.